नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एएसटी न्यूज़ और हमारे बीच में जिला द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी जी मौजूद हैं, जो यहाँ एक नया पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम के खिलाफ जंग के लिए खोला गया है। जानते हैं क्या है पूरा वाक्य सर, किस तरह है? ये देखिए, आदरणीय कमिश्नर साहब ने 1 दिसंबर को ये आदेश दिए थे कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एक्सक्लूसिव हर ज़िले में खुले, और इसका मुद्दा एक ही है कि साइबर क्राइम्स को स्पेसिफिकली डील करना, जिसके लिए ट्रेंड और टेक्निकली क्वालिफाइड मैन पावर देना, एक जो रिक्वायर्ड लॉजिस्टिक्स है वो प्रोवाइड कराना, एक फोकस्ड अप्रोच देना और एक कस्टमाइज स्पेस बनाना, ताकि हम इस क्राइम्स को डील कर पाएँ। क्योंकि ये क्राइम एक अलग तरीके का क्राइम है, क्योंकि ये डिजिटल माध्यम पर होता है, तो इसको डील करने के लिए भी अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। ये बहुत दिनों से पेंडिंग था, लेकिन आदरणीय कमिश्नर साहब ने इसको लॉन्च किया है पूरे दिल्ली में, हमारा ज़िला भी उसमें से एक ज़िला है, और 15 ज़िलों में, जो दिल्ली के 15 पुलिस के ज़िले हैं, वहाँ पे एक दिसंबर को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लॉन्च हो गया। इसमें एक्सक्लूसिव SHO, SAP और ट्रेन मैन पावर है। मेरा मानना है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आदरणीय कमिश्नर साहब के जो विज़न है इस पुलिस स्टेशन को लॉन्च करके, साइबर क्राइम्स को क्रैक करके, लोगों को अरेस्ट करके, और जो इससे पीड़ित हैं उनको राहत दिलाकर, जो उनका विज़न है उसको हम शायद आने वाले दिनों में भरसक प्रयास रहेगा कि पूरा करेंगे। स्टेशन के SHO इस यहाँ पे अभी ACP ऑपरेशंस विजय सिंह इसके ACP हैं, और जो SHO साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के, वो श्री राजेश मिश्रा हैं, वो पहले से भी साइबर सेल देखते थे हमारा, तो उनको यहाँ का SHO लगाया गया। पीड़ितों को किस प्रकार से यहाँ राहत मिल सकती है? कुछ देखिए, भूतकाल में भी प्रयास रहा है कि हम साइबर क्राइम्स के केसेस रजिस्टर करके और उनको हम क्रैक करें, मगर मेरा मानना है कि जब ये खुला है और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिले हैं, एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक्स मिला है, एक फोकस्ड अप्रोच मिला है, एक एक्सक्लूसिव पुलिस स्टेशन लॉन्च करने से, तो इसकी क्वांटम और क्वालिटी में बहुत फ़र्क आएगा, मेरा मानना है। और हम अपने ज़िले के कप्तान के मातहत मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पूरी जो द्वारका पुलिस की टीम है, और ख़ासकर जो इस थाने की टीम है, वो पूरा प्रयास करेगी कि हम मैक्सिमम साइबर क्राइम्स को क्रैक करें। जनता सर साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं, कुछ टॉपिक्स बता दीजिए। देखिए, वो हमारा एक दिल्ली पुलिस वेबसाइट पे आप जाएंगे जी, तो वहाँ बहुत डिटेल में दिया गया है, जो स्पेशल सेल और इकोनॉमिक और क्राइम विंग जो हमारा है, उसमें बहुत डिटेल में दिशा निर्देश हैं। कोई भी दिल्ली पुलिस वेबसाइट पे अगर जाके देखना चाहे तो उसको पढ़ सकता है और साइबर क्राइम्स के लिए एजुकेट हो सकता है। ये थे हमारे बीच में शंकर चौधरी, जो जिला द्वारका में इन्होंने एक सेक्टर 17 का थाना खोला है, और जहाँ इंचार्ज रहेंगे ACP विजय सिंह जी। और दर्शकों, आपको साइबर क्राइम से बचने की आवश्यकता है। AST न्यूज़ के लिए मनोज कुमार।